सब्सक्राइब हरियाणा बीट्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। देखें हरियाणवी गानों के साथ साथ अपने पसंदीदा शोज। Hey guys, this is Gaurav and you are watching आपका अपना शो जिसका नाम है डियर डायरी। तो डियर डायरी में क्या होता है जी, आप लोग मुझे अपनी कहानियां भेजते हो और मैं आपकी कहानियां लोगों तक पहुंचाता हूं। तो अगर आपके पास है कोई अच्छी सी कहानी तो आप मुझे भेज दें। कहानी कोई भी हो सकती है, मोटिवेशनल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, या फिर आपकी जिंदगी की लव स्टोरी भी हो सकती है, या कोई जिंदगी का ऐसा किस्सा जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। जल्दी से अपनी कोई कहानी भेजिए मुझे ताकि मैं आपकी कहानी लोगों तक पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खूबसूरत सी कहानी के साथ। ये कहानी मुझे भेजी है वरुणी ने, और जो कि दिल्ली में रहती हैं और घर संभालती हैं, मींस हाउसवाइफ। वो बताती हैं कि उनका और शिव का रिश्ता कैसे है। शिव उनके पति का नाम है जी हाँ, और उन्होंने बताया मुझे कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए और किस तरह से वो वापस एक जैसे हो गए। बात यूं थी कि वो आज टेबल पर बैठे थे, हर रोज की तरह सुबह सुबह टेबल पर बैठे थे, खाने की बात चल रही थी, और इसी बीच में शिव का फ़ोन बजता है। शिव को ऑफिस की कॉल्स आती हैं और वरुणी अपने फ़ोन में घुस जाती है। फेसबुक पर लाखों लोगों की जिंदगी में पहुँच चुकी थी वो। अपने भाई को उसने गंगा पर सैर करते हुए देखा था, अपनी कजन्स को फोरन में अपनी पिक्स अपलोड करते हुए देखा था, सब चीज़ों को वो इंजॉय कर रही थी, किसी को थम्स अप भेज रही थी और किसी से बातें कर रही थी। और यही नहीं, उसने भी अपने दो गिलास जो नाश्ते के टेबल पर रखे थे उन्हें हल्का सा टेढ़ा कर एक फ़ोटो खींच कर FB पे अपलोड कर दी, और साथ ही लिख दिया ब्रेकफास्ट टाइम। आजकल यही तो हो रहा था सबकी जिंदगी में, आपस में बात कम और फेसबुक के जरिए बहुत ज्यादा बात। शिव को जाना था और शिव जल्दी से निकल गए। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने भी शायद अपना फोन ऑन किया होगा और जो उसने पिक डाली थी उसी पे ही हल्का सा क्लिक कर नीचे कमेंट लिख कर डाल दिया कि व्हाट अ यम्मी ब्रेकफास्ट डार्लिंग वाइफ। नीचे लिख दिया कि लस्सी तो औसम थी। हालांकि दो मिनट पहले ही जब वो लस्सी पी रहे थे और कह रहे थे कि लस्सी बड़ी बकवास बनी है आज। ये ज़िंदगी जो है ना, ये दिखावे पर चल रही थी, और बस अरुणी इस चीज़ पे मुस्कुरा दी। उसको लगा कि ज़िंदगी में इतना दिखावा नहीं होना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। खैर वो अपनी ज़िंदगी में ऑफिस में बिजी, और वरुणी जल्दी से घर से निकली डांस क्लासेस के लिए। अब डांस ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर उसका मन लगता था, जहाँ पर वो अपनी सारी टेंशंस को रिमूव कर देती थी। वैसे देखा जाए तो वरुणी की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत खास ज़िंदगी जी रही थी वो। घर पे नौकर चाकर थे, अच्छा पैसा था, हस्बैंड की अच्छी जॉब थी, और बस वो घर पे अकेली थी। ऐसा नहीं है कि उसके पास बच्चा नहीं था, भाई शादी को 15 साल हो गए थे उनके, और 13 साल का उनका बेटा अब हॉस्टल में था। लेकिन उसके जाने के बाद अब ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव आ गया था, वो घर पे क्या करे क्या ना करे उसे समझ नहीं आता था। इसीलिए तो उसने डांस क्लास ज्वाइन कर ली थी। और डांस क्लास ज्वाइन करने का ना एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पर उसकी सारी स्ट्रेस सारी टेंशंस रिमूव हो जाती थी। इसी बीच वरुणी का फ़ोन बजता है, उसके हस्बैंड का फ़ोन था, और वो हस्बैंड उसे कहते हैं कि याद रखना कि कल हम शिमला जा रहे हैं। तो उसने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसने कहा जल्दीबाजी में बता नहीं पाया, और कपल मीटिंग है तो तुम मेरे साथ चल रही हो। उसने कहा मेरी मीटिंग है और तुम मेरे साथ चल रही हो, वैसे भी घर पे क्या करोगी, वहाँ थोड़ा आउटडोर में घूम लेंगे हम। बस इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। काश वो मेरी ना भी सुन पाते, काश वो सुन पाते कि शायद मेरा मन नहीं है जाने का। खैर अब मैं डांस क्लास में थी तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो और इस बार क्रू को तुम ही लीड करोगी। ये बात बहुत एक्साइटिंग थी मेरे लिए, मैंने जल्दी से अपने FB पे ये चीज़ पोस्ट कर दी, क्योंकि आजकल बस वही एक टाइम होता है जो हम लोगों से शेयर करते हैं अपनी बातें। इसी बीच हस्बैंड का नीचे मैसेज आ गया कि प्राउड ऑफ यू, और थोड़ी देर बाद उनका फिर फ़ोन आता है कि जल्दबाजी में तुम्हें बताना भूल गया कि वहाँ पर ठंड होगी, इसलिए अपने गर्म कपड़े भी साथ ले लेना। लेकिन ये नहीं कहा कि तुम क्रू की हेड बन रही हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। वो बातें सिर्फ फेसबुक के लिए थी। ये ज़िंदगी में ऐसा ही हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। कभी सोचती हूँ तो ये लगता है कि सब कुछ सही तो है, और कभी सोचती हूँ तो ये लगता है कि ज़िंदगी बड़ी वीरानी है। खैर दिल्ली से फ्लाइट और चंडीगढ़ से गाड़ी के ज़रिए हम शिमला पहुँच रहे थे। ये वही जगह थी जहाँ आज से 15 साल पहले भी हम लोग आए थे, लेकिन तब हम अपने हनीमून के लिए आए थे।
तब कितना अच्छा लगा था ना, और ये रास्ता कितना खूबसूरत लगा था। बहुत सारे लोगों के साथ हमने जीप शेयर की थी और मुझे आज भी याद है कि खुली जीप में पीछे बैठकर एक ही शो लोडे हम दोनों बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, और आज अपनी गाड़ी है उसमें बैठे हैं लेकिन बातें ख़त्म हैं। यही तो ज़िंदगी है, एक पड़ाव पर आकर आपके पास शायद बातें ख़त्म हो जाती हैं, शायद हम ज़िंदगी को उस तरह से जीना कम कर देते हैं, शायद हम लोगों की इच्छाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं, शायद हम दिखावटीपन में थोड़ा ज़्यादा आ जाते हैं, और इसी शायद का जवाब शायद आज मुझे मिल ही जाएगा। खैर, हम लोग पहुँच गए शिमला, और शिमला पहुंचते ही मुझे बड़ा एहसास हुआ, पुरानी बातें याद आई, वही चीज़ें कि हम 15 साल पहले कैसे यहाँ आए थे, क्या हुआ था, और बस लेकिन अब क्या था। जल्दी से हमने अपना रूम लिया और रूम में बैठ गए। अभी शाम को इनकी मीटिंग थी तो शिव निकल गए, और जल्दबाजी में शिव अपना फ़ोन वहीं भूल गए। हमने रूम लिया और शिव शाम को अपनी मीटिंग पर चले गए। शिव का फ़ोन डिस्चार्ज था इसलिए वो अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ गए। मैं भी थोड़ी देर अपने रूम से बालकनी को निहारती रही और शिमला की अच्छी अच्छी वादियों को देखती रही, फिर सोचा कि अब क्या करूं। मैंने फ़ोन उठाया और रूम से निकल गई, लेकिन जल्दबाजी में गलती से मैं शिव का फ़ोन उठा कर ले आई, और वो भी बंद। हम दोनों का फ़ोन एक जैसा है, अक्सर एनिवर्सरीज पे हम ये चीज़ तो ज़रूर करते हैं कि एक जैसे फ़ोन ले लेते हैं, एक जैसी टी शर्ट्स ले लेते हैं, एक जैसे कपड़े में कुछ ले लेते हैं, भी कुछ ऐसा लगा रहे कि ज़िंदगी अभी ज्यों की त्यों चल रही है, या यूं कहें कि ये सब फेसबुक के लिए कर रहे थे, इंस्टा के लिए कर रहे थे, आजकल के सोशल मीडिया के लिए कर रहे थे। मैं कमरे से निकली तो पता ही नहीं लगा कि कब मैं चलते चलते माल रोड पे पहुंच गई। अरे ये तो वही माल रोड था, यहाँ पर आज से 15 साल पहले हम लोगों ने खूब आइसक्रीम खाई, खूब एक दूसरे के साथ मज़े किए, खूब हंसी मजाक किया, और चलते चलते मैं वहाँ एक सीढ़ियों पर बैठ गई। ये वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर शिव की जैकेट का कोना फंस गया था और हम लोग बहुत हंसे थे, और मैंने उनकी बहुत सारी पिक्स भी करी थी। खैर, अब पीछे की ज़िंदगी को देखती हूँ तो लगता है कि वो बचपना था, शायद ज़िंदगी जो है वो ऐसे नहीं होती। कब ज़िंदगी के 15 साल बीत गए पता ही नहीं चला, और 15 साल में अब पहुँची हूँ यहाँ पर। और यहाँ की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी मुझे, यहाँ की लाइब्रेरी। यहाँ पर बैठकर हम दोनों उस टाइम बहुत गप्पे मारते थे, हालांकि लाइब्रेरी में बोलना मना है लेकिन हमें बड़ा मज़ा आया था इस लाइब्रेरी में बैठकर। तो मैं वहीं बैठ गई, और उस लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने एक चर्च था, मुझे चर्च बहुत पसंद था और मैं उस चर्च को निहार रही थी। हालांकि आज से 15 साल पहले भी मैं उस चर्च में गई थी और बहुत देर वहाँ निहारती रही थी, और शिव को चर्च के आसपास की आवाज़ें, वहाँ आने जाने लोगों का शोरगुल पसंद था। और इन सीढ़ियों में पता है क्या खास है, जिन सीढ़ियों पे आज मैं बैठी हूँ यही वो जगह है जहाँ पर शिव ने मुझे पहली बार कहा था। शिव ने मुझे कहा था कि आई लव यू वरु। उसने मुझे पहली बार कहा था कि देखो हमारी शादी हो चुकी है लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे अब प्यार करने लगा हूँ। ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम लगता है, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, तो शायद शिव को भी थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने भी उसके हंस के कहा कि यस आई लव यू टू। लेकिन ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी अलग अलग रंग दिखाती है। शिव एक परफेक्ट हस्बैंड, एक परफेक्ट मटेरियल थे, वो मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते थे, लेकिन हाँ कई बार होता ना कि इंसान किसी को कुछ कह नहीं पाता, वो शायद कहने में कम बिलीव करते थे, उन्हें लगता होगा कि सामने वाला समझ ही जाता है या सामने वाले को समझ जाना चाहिए। खैर, मैं ये बातें सोचती रही और वहाँ बैठे बैठे पता नहीं मुझे कब इतना टाइम बीत गया, मुझे याद ही नहीं रहा। शिव रूम पे आ चुके थे, वो रूम पर आकर थके हुए थे तो सो गए, उनको रिसेप्शन से पता लगा कि मैम बाहर गई हैं, वो सो गए, और उनकी आंख लग गई, और उन्होंने 2 घंटे बाद देखा कि वरुणी अभी तक नहीं आई। वो थोड़ा परेशान हुए, उन्होंने फ़ोन उठाकर देखा तो ये तो वरुणी का फ़ोन था। उप्स, वरुणी की फ़ोन पर कुछ मैसेज अलर्ट आए हुए थे कि अपनी ड्रेस अच्छे वाली फेवरेट ब्लू ड्रेस लेकर जाना मत भूलना। और एक और मैसेज आया होता था कि वर्नी रॉक आकर ही हम पार्टी करेंगे तुम्हारे क्रू हेड बनने के खुशी में। शिव इन बातों को पढ़कर थोड़ा नाराज सा हो रहा था, उसे लग रहा था कि मैं क्यों नहीं वर्नी को ये चीज़ें दे पाया, आखिर मैं उसे इतना खुशियां देता हूँ और मैं उसको क्यों नहीं कह पाता, आखिर मैं कभी उसको ऐसे मैसेज करके क्यों नहीं कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या ऐसी चीज़ें जो लोग दिखावटी होती हैं और मुझे लगता है कि ये सब दिखावटी है। लेकिन वरुणी को वहीं लगता था कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी को कहना, एहसास दिलाना बहुत अच्छी बात होती है। खैर,
अब वो परेशान था और वो वरुणी का फ़ोन लेकर बाहर निकल गया। उसे पता लग गया था कि गलती से शायद वरुणी मेरा फ़ोन ले गई। शिव ने रिसेप्शन से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैम तो पैदल ही निकले हैं और उनको निकले को तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। शिव ने उसे हर जगह देखा। शिव ने उसे उस कॉफ़ी शॉप पे भी देखा जहाँ जो शॉप उसे बहुत पसंद थी। एक्चुअली वरुणी को कॉफ़ी की खुशबू बहुत पसंद थी तो उसे याद था कि वो ये वो कैफ़े होगा जहाँ पर हम रात को 11 बजे तक बैठे और बातें करते रहे थे तो वो वहाँ बैठ गया था, लेकिन वरुणी वहाँ नहीं थी और उसकी पीछे की जेब में कुछ चुभ रहा था। उसने देखा कि वो वॉलेट था। वॉलेट निकाला तो वरुणी की एक हंसते हुए पिक थी जो उसने बड़ी लड़ाई करने के बाद रखी थी अपने वॉलेट में। वरुणी नहीं चाहती थी कि उसकी फ़ोटो वो अपने वॉलेट में रखे। वो कहती थी ये दिखावटीपन मुझे पसंद नहीं है। तो उसने कहा था कि नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट माई डे विद योर स्माइल, और इसमें तुम स्माइल करती हुई बहुत बेहतर लग रही हो और मेरे दिन को भी ये स्माइल तुम्हारी बेहतर बना देती है। खैर अब शिव उसे हर तरफ ढूंढ रहा था। अब उसका एक्साइटमेंट जो है थोड़ी उदासी में बदल रही थी। उसे वरुणी की फिक्र हो रही थी और उधर वरुणी घूम रही थी इधर उधर। वहीं घूमते घूमते वरुणी ने देखा कि उसके सामने एक गुलाबों का अड्डा लगा हुआ है, यानी कि गुलाब के फूल ही फूल है वहाँ। उसे याद आया कि ये फूल मुझे तब शिव ने गिफ्ट भी दिए थे। और उसके बाद एक बात और याद आई उसे कि शिव मेरे लिए हर रोज़ फ्लावर्स लेकर आते हैं, वो भी रेड रोजेस। लेकिन अब मुझे वो लगता है कि बस एक ज़रूरी प्रक्रिया है और कभी कभी तो मैं फ़ोन सुनते सुनते उनके हाथों से वो लेकर बस सीधा उसको कहाँ रखना है वहाँ रख देती थी। यही तो ज़िंदगी थी। फिर मैंने सोचा कि वो कितनी शिद्दत से लाते थे यार मेरे लिए, मुझे उनको थैंक्स बोलना चाहिए था। यही रिश्ता है जी। यहाँ पता नहीं लगता कि ज़िंदगी में कभी कभी आप एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप किसी को कुछ बोलते नहीं हो या किसी से इजहार नहीं करते हो तो वो रिश्ता जो है थोड़ा थोड़ा फीका पड़ना शुरू हो जाता है। ये नहीं कहूँगा कि रिश्ते अलग हो जाते हैं या टूट जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी तलखी आ जाती है। आपको शायद एक दूसरे को महसूस करना बंद कर देते हैं, इसलिए रिश्तों को जीवंत रखना है तो थोड़ा थोड़ा महसूस करवाना शुरू ज़रूर कीजिए। खैर बात करते हैं वरुणी और शिव की। अभी शिव का बुरा हाल है और वरुणी गायब है, और वरुणी घूमते घूमते उन्हीं सीढ़ियों के पास आ जाती है जहाँ शिव मुँह लटकाए बैठे थे। वरुणी उसे देखती है और कहती है मुझे पता था यहीं मिलोगे तुम। हालांकि वो पहले थोड़ी देर पहले कह रही थी कि एक फ़ोन भी नहीं कर सकते मुझे, कहते हैं कि मुझसे प्यार करते हैं, और फ़ोन को देखती है तो पता लगता है कि फ़ोन ही गलत उठा लाई। तभी से वो वापस आना शुरू कर देती है और देखती है कि वहीं बैठे मिलते हैं उसको। वो कहती है कि शिव मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे मुझे, और शिव बहुत नाराज़ हो जाते हैं। शिव कहते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है, फ़ोन चेक करके घर से निकलना चाहिए, तुम्हें निकले हुए इतना टाइम हो गया, एंड व्हाट इज़ दिस एंड ऑल ब्ला ब्ला, सो बातें हो जाती हैं। लेकिन वरुणी उसकी बात पर स्माइल करते हुए उसे फूलों का गुलदस्ता देती है और कहती है आई लव यू। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे मैसेज भी पढ़ लिए हैं। उसने कहा हाँ तुमने मेरे मैसेज पढ़े, दिस इज़ नॉट फेयर, यू शुडंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो वो कहता कि मैंने पढ़े नहीं है, ऊपर अलर्ट आ रहा था तो मैंने देख लिया। वो हंसते हुए स्माइल करते हुए वहीं बैठ जाते। आज बहुत दिनों बाद दोनों इकट्ठे थे, दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू बोला और फिर से उनके बीच में इजहारे मोहब्बत हो गई। तो ये थी जी वरुणी और शिव की खूबसूरत सी कहानी। कमिंग सून, हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा म्यूजिक।